सतना में 250 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज की मान्यता खतरे में पड़ गई है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। सतना का नव निर्मित मेडिकल कॉलेज, जो अभी ठीक से चालू भी नहीं हो पाया, उसकी मान्यता खतरे में पड़ना प्रदेश सरकार के लिए बड़ा झटका है। अरसे से सतना के बाशिंदों को मेडिकल कॉलेज का इंतजार था। शहर की जनता ने नेता मंत्रियों से मांग की, हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सतना में 250 करोड़ की लागत से शासकीय मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग निर्मित हो गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी तामझाम के साथ एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज व कई मंत्री, सांसदों, विधायकों की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 को सतना के लोगों को मेडिकल कॉलेज समर्पित किया था। कार्यक्रम में ही सीएम ने मेडिकल कॉलेज के डीन सहित 45 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए थे। सतना का मेडिकल कॉलेज अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया था कि चौंकाने वाली खबर आ गई। नेशनल मेडिकल कॉलेज काउंसिल के एक नोटिस देकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता खतरे में पड़ गई है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के 41 चिकित्सा शिक्षकों को 6 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके विरोध में 15 डॉक्टर्स तो जिला अस्पताल में काली पट्टी बांध कर सेवाएं दे रहे हैं। प्रभावित डॉक्टर ने सरकार से अपील की है कि 6 महीने से वेतन न मिलने से उनके खाने के लाले पड़ गए हैं। दूसरी तरफ अब NMC ने कॉलेज को नोटिस थमा दिया कि डॉक्टर्स की अटेंडेंस नहीं है। मेडिकल कॉलेज में 150 MBBS के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ऑटोप्सी अनिवार्य है, लेकिन कॉलेज में इसके लिए कोई बॉडी मुहैया नहीं करवा पा रहा है। लैब के लिए रीजेंट खरीदने तक के पैसे नहीं है। मेडिकल कॉलेज में मापदंडों के अनुसार पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है। विगत 6 महीने से मैं और मेरी टीम, साथ ही मेरे 42 के आसपास फैकल्टीज जो चिकित्सा महाविद्यालय सतना में पदस्थ हैं, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किंतु 6 महीने से किसी को सैलरी नहीं मिल रही है और कईयों की स्थिति इतनी, वित्तीय संकट इतना ज़्यादा हो गया, खराब हो गया है कि उनको आने जाने का भी इस समय बजट उपलब्ध नहीं है, पैसा नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से सभी का जो है स्तर काफ़ी नीचे गिर गया है, काम करने की ओवरऑल क्षमता सबकी कम हो रही है। ये तो हमने फैकल्टी की बात करी, हमसे ज़्यादा दुख भरी स्थिति तो हमारे क्लास 3 क्लास 4 की स्टेटस है। उन बेचारों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उनका तो मुझे लगता भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा बजट उनके पास स्टोर रहता होगा। इसके बारे में रेगुलर पहले महीने से ही रेगुलर मांग की जाती रही है। कहीं ना कहीं हमें बताया गया कि मैपिंग की समस्या आ रही है, फिर बोला गया कि आपका रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आ रही है, कोई बोला गया कि ट्रेजरी से कोई समस्या आ रही है, पर एक बहुत ही ऐसी चीज़ नहीं बताई गई, पुख्ता चीज़ के, जिसके कारण हमें वास्तविकता में लगे कि ये जेन्यून समस्या है। 6 महीने नई सैलरी देने पर कैसे दूसरा कर्मचारी सर्वाइव करेगा, उसका भी अपना परिवार है, 4 लोग उस पर भी डिपेंडेंट हैं, तो कहाँ से इतना स्टोर लेके आएगा कि वो सब कर लेगा अपना। मैंने बाहर से आए हैं, वहाँ से हम बस अपना दुख बयान करना चाहते हैं। हमने काली पट्टी पहन के 7 दिन हम यही पहन के करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि हमें और उग्र कदम उठाने के लिए कोई बोलेगा भी नहीं। वो समझेंगे हमारी प्रॉब्लम्स कि भाई ये लोग अगर बोल रहे हैं तो कुछ जेन्युइन समस्या होगी। 6 महीने वो खुद अपने आप में देख लें कि 6 महीने छोटा समय नहीं होता किसी को आप सैलरी नहीं दें और उससे आप सोचें कि पूरा काम मन से करेगा वो। आपको बता दें कि NMC ने सिर्फ LOI जारी किया है, जिसमें साफ तौर मान्यता रोकने की बात कही है, जिसे लेकर जनवरी महीने में टीम निरीक्षण करने सतना मेडिकल कॉलेज आने वाली है। सतना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स मानते हैं कि उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। डीन भी मानते हैं कि बायोमेट्रिक मशीन ना होने से डॉक्टर्स की अटेंडेंस नहीं हो पाई। कॉलेज में मशीनें, उपकरण और ऑटोप्सी सुविधा नहीं है, जल्द व्यवस्था कर ली जाएगी। जो स्ट्रक्चर तो बना हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीट है, मशीनरी की क्रय प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारी मशीनरी आ गई हैं, कुछ प्रोसेस में है, जो कुछ ट्रांजिट, हाँ वही कुछ ट्रांजिट में है और कुछ मतलब अभी भी निविदा प्रक्रिया चल रही है, तो जल्दी वो भी पूरी कर ली जाएगी। नियुक्ति के लिए शासन स्तर से उसका एड निकलना है, वो भी जारी होकर जल्दी उसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। मैं शासन स्तर से लगातार इस चीज़ के लिए संपर्क में था। मेडिकल कॉलेज अस्तित्व प्रश्न चिन्ह लग रहा है सर, इसकी कमी मानते हैं? नहीं, जब तक NMC का असेसमेंट होगा तब तक सारी कमियां पूरी कर ली जाएंगी, जो भी हैं
बच्चों की क्लास विधिवत तरीके से चलाई जा रही हैं, बच्चों के प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं और जो सब पाइपलाइन में है प्रक्रियाएं जल्दी पूर्ण कर ली जाएंगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेज में 13 ऑटोनोमस और एक सरकार द्वारा संचालित है। अगर सतना मेडिकल कॉलेज की मान्यता खत्म हुई तो यहाँ पढ़ रहे 150 छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा।